बिहार में स्पेशल पैकेज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरा में प्रधानमंत्री ने 1.23 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर इस पर सवाल उठाए हैं। 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाई बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 7,00,000 करोड़ रुपए का। बिहार के आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजाना खोला तो रकम सीधे 7,00,000 करोड़ पर जाकर अटकी। बिहार का भाग्य बदलने के लिए 7,00,000 करोड़। मोदी के ऐलान के ठीक 8 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पैकेज को सवालों के घेरे में खड़ा करके इसे हवा हवाई करार दे रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ ऐसा है ही नहीं खास, और नाम दे दिया स्पेशल पैकेज का कि भाई इतना बड़ा पैकेज मिल गया, राज्य सरकार इसको ठीक ढंग से लागू करे। अब बताइए लागू क्या करें, यह भी तो हम जानना चाहते हैं कि हम लोगों को लागू उसमें क्या करना। ये जो झूठ और भ्रम फैलाते हैं ये लोग, अफवाह मास्टर लोग, लेकिन अंत में उसका विश्लेषण करने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बिहार के लोगों के भरोसे की भी बोली लगा दी गई। नीतीश का दावा है कि 7,00,000 करोड़ में से 1,08,000 करोड़ पहले से निर्धारित योजनाओं की राशि है, जबकि मोदी ने रैली में 40,000 करोड़ की रकम अलग से जोड़कर इसे कुल 1,65,000 करोड़ की सौगात करार दिया। नीतीश जहां इसे पुरानी योजनाओं की नई पैकेजिंग बता रहे हैं, वहीं मोदी ने इसे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का दर्जा करार दिया। नीतीश की दलील है कि पूरा पैकेज पूरे न होने वाले दावों से भरपूर है, लेकिन मोदी ने अपनी रैली में इसे बिहार को चमकाने वाला तोहफा बताया। मोदी के पैकेज ने तो बिहार की चुनावी फिजा में सियासी रंग घोल दिए हैं। खुद लालू यादव ने मोदी का मजाक उड़ाकर पैकेज पर चोट की थी। बिहार को लेकर सियासत तो अभी सुलगनी शुरू हुई है, अभी तो असली दौरों और असली दावों की नारेबाजी बाकी है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से तो दिया, लेकिन नितिन गडकरी एक कदम आगे बढ़ गए हैं, नीतीश को किसी भी मंच पर बहस के लिए चैलेंज भेज रहे हैं। जितनी घोषणा हमने की उस एक एक घोषणा पर मैं कायम हूं, और कोई भी डिटेल प्रोजेक्ट की चर्चा मैं उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि टीवी की डिबेट पर वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कोई भी बात करें तो हम उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और नीतीश कुमार जी, आज मैं आज तक के माध्यम से आपसे सवाल पूछता हूं। मैं एसटीपीआई के लिए आपसे जमीन मांग रहा हूं, भागलपुर और दरभंगा के लिए, आप जमीन क्यों नहीं लेते मुझे बताइए, मैं वहां खोलना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर खुले, देश में आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आपसे जमीन मांग रहा हूं, आपको पत्र लिख रहा हूं, आप जमीन देते नहीं हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर में उसको ले जा रहा हूं। तो नितिन गडकरी ने तो चुनौती दे दी है, अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार सामने आकर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं टीवी पर लाइव बहस के लिए।